नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे बीएसटीसी प्रीवियस प्रश्नों के ऊपर, जो राजस्थान जीके से संबंधित अभी तक जो बीएसटीसी के जो प्रीवियस पेपर हुए हैं उनमें ये सवाल पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा कई सवाल ऐसे हैं जो 3 से 4 या 5 बार भी रिपीट हो चुके हैं, तो आप प्रत्येक प्रश्न पर गौर करना जिससे कि आप अपनी परीक्षा में सफलता को सुनिश्चित कर सके। बहुत कम टाइम में बहुत अधिक सवाल सॉल्व करने वाले हैं अपन, तो ध्यान से देखिए तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का यूट्यूब चैनल और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है राजस्थान में सबसे बड़े अपवाह वाली नदी है। राजस्थान में सबसे बड़े अपवाह क्षेत्र वाली नदी है वो है विद्यार्थियों चंबल नदी। फिर अगला सवाल देखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी झील, राजस्थान की सबसे बड़ी झील और झील कौन सी, लवणीय झील जिसके अंदर नमक की मात्रा है वो झील कौन सी है, वो झील है सांबर झील। अगला सवाल देखिए, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील राजस्थान में कौन सी है, वो है जैसमंद। कहाँ पर है, उदयपुर जिले में है, जैसमंद झील है। अगला सवाल देखिए, सबसे बड़ी कृत्रिम झील, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, कृत्रिम झील भी है वो है जैसमंद। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो है जैसमंद झील। अगला सवाल देखिए, राज्य का सबसे ऊंचा बांध, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो जाखम बांध है प्रतापगढ़ में, और ये किस नदी पर है, तो ये विद्यार्थियों ध्यान रखना जाखम बांध है वो माही नदी पर है। किस नदी पर है, माही नदी पर है, और माही नदी को क्या कहा जाता है, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है, माही नदी। और माही नदी पर कौन सा बांध है विद्यार्थियों, जाखम बांध, जिसकी लंबाई है 81 मीटर। अगला सवाल देखिए, सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कहाँ पर है, पांचना बांध है। कौन सा बांध है, पांचना बांध राजस्थान में मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध है। किस जिले में है, ये करौली जिले में। ध्यान रखना राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है और ये पांचना बांध करौली जिले में है। किस जिले में है, करौली जिले में। अगला सवाल देखिए, सर्वाधिक भराव क्षमता वाला या सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो राजस्थान में सर्वाधिक भराव क्षमता वाला या फिर कह सकते हो सबसे बड़ा बांध है वो राणा प्रताप सागर बांध है चित्तौड़गढ़ में। किस नदी पर है राणा प्रताप सागर बांध, वो है चंबल नदी पर। किस नदी पर है, चंबल नदी पर। अगर सवाल पूछ ले आपसे कि राजस्थान का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह राउत भाटा चित्तौड़गढ़ किस जिले में है, चित्तौड़गढ़ में है। अगला देखिए, सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है राजस्थान में, पूछा है राजस्थान में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। फिर अगली बात देखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है ये बिसलपुर बांध है, बिसलपुर बांध है टोंक नदी में और टोंक जिले में। और किस नदी पर है, टोंक जिले में, बनास नदी पर बना हुआ है। अगला सवाल देखिए, राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है वो कौन सी झील है, नक्की झील है। कहाँ पर है, माउंट आबू। अगर राजस्थान की सबसे ऊंची झील पूछे, अगर वहाँ पर ऑप्शन में नक्की झील भी नहीं हो, माउंट आबू नहीं हो, तो वहाँ पर सही क्या होगा, वो होगा सिरोही। लेकिन जब सिरोही भी पूछेगा और माउंट आबू भी पूछेगा तो माउंट आबू सही होगा। अगला सवाल देखिए, ये जो नक्की झील है इस ये झील कैसी है, ये ज्वालामुखी निर्मित है। अगर यहाँ पर ज्वालामुखी नहीं आए कि ये किस तरह की झील है, तो ध्यान रखना ये जो झील है इस झील का निर्माण करवाया था देवताओं ने। किसने करवाया था, देवताओं ने करवाया था, और देवताओं ने इस झील का निर्माण किससे किया था, अपने नाखूनों से किया था। विद्यार्थियों ध्यान रखना, सवाल एग्जाम में पूछा गया है। फिर अगला सवाल देखिए, राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो राजस्थान में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला है वो है उदयपुर। लेकिन सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, चूरू है। और राजस्थान में सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं, ध्यान रखना धोकड़ा के वन। कौन से वन पाए जाते हैं, धोकड़ा के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। फिर अगला सवाल देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो क्या होगा, माउंट आबू। और माउंट आबू कहाँ पर है, सिरोही में। पूरे साल में लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 150 सेंटीमीटर वर्षा। अगली बात, अगर यहाँ पर सवाल पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ जिले में। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए अगला सवाल, अगर सर्वाधिक झालावाड़ में होती हैं
तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है राजस्थान में, तो न्यूनतम वर्षा वाला जिला राजस्थान में जैसलमेर। अगर सवाल आपसे पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की विषमता देखने को किस जिले में मिलती है, तो सर्वाधिक विषमता किस जिले में है, सर्वाधिक वर्षा की विषमता आपके किस जिले में है, वो है जैसलमेर जिले में। किस जिले में? जैसलमेर जिले में। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क स्थान, राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क स्थान है वो फलोदी है, और फलोदी किस जिले में है, जोधपुर जिले में है। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, चूरू। लेकिन राजस्थान का सबसे ठंडा जिला भी पूछे तो भी क्या होगा, चूरू। तो अगर आपको ठंडा और गर्म दोनों महसूस करना है, राजस्थान में सर्वाधिक ठंड कहाँ पड़ती है, चूरू में, और गर्मी भी कहाँ पड़ती है, चूरू में। अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल देखिए, सर्वाधिक ठंड वाला स्थान, राजस्थान में सर्वाधिक ठंड वाला स्थान पूछे तो माउंट आबू सिरोही में, और राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान पूछे, जिला पूछे तो झालावाड़, लेकिन आर्द्रता वाला स्थान पूछे तो माउंट आबू। शाबाश विद्यार्थियों। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है कोटा संभाग। फिर अगला सवाल देखिए, सबसे अधिक सतही जल वाली नदी, राजस्थान में सबसे अधिक सतही जल किस नदी का है, चंबल नदी का है। लेकिन अगर सवाल पूछ ले कि राज्य में सर्वाधिक पशुधन की संख्या, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन कौन सा है, तो राजस्थान में सर्वाधिक है बकरी। बकरी को कहा जाता है गरीब की गाय, क्या कहा जाता है, गरीब की गाय। इसको कहा जाता है चलता फिरता फ्रिज, या फिर चलता फिरता रेफ्रिजरेटर, ध्यान रखना। और राजस्थान का कौन सा गांव है जो बकरियों के लिए प्रसिद्ध है, तो नागौर का एक गांव है, उस गांव का नाम है बल्लेखंड। क्या नाम है विद्यार्थियों, गांव का नाम बल्लेखंड गांव है राजस्थान का, जो बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां किस जिले में है, तो राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां हैं बाड़मेर जिले में है विद्यार्थियों। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए, काफी अच्छा सवाल है, सर्वाधिक पशु संख्या वाला जिला, सर्वाधिक पशु संख्या वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक पशु संख्या वाला जिला बाड़मेर। राजस्थान में सर्वाधिक पशु कहां पर है, बाड़मेर में। मैं आपको देखिए एक सूत्र लिख के देता हूं, आप गांठ बांध के याद कर लीजिए, कभी भी नहीं भूलोगे। मैं यहां पर लिखा हूं CASH, केश हो डोग। अब देखिए राजस्थान में ये जो मैंने लिखा है, ये कुछ जानवरों की एक ट्रिक है। केश का मतलब होता है कैमल, क्या होता है कैमल, कैमल का मतलब होता है ऊंट, और एश का मतलब होता है SH का मतलब होता है शिप, क्या होता है शिप, और शिप का मतलब क्या होता है भेड़ होता है। हो का मतलब क्या होता है, हो का मतलब होता है हॉर्स, क्या होता है हॉर्स। फिर देखिए DOG, डॉग, डॉग भी सर्वाधिक, डॉग डॉग तो एक खुद मीनिंग हो गई। इसके अलावा DOG, DO का मतलब होता है डंकी, क्या होता है डंकी, राजस्थान में सर्वाधिक डंकी। इसके अलावा अगर देखिए G का मतलब क्या होता है गॉट, गॉट का मतलब होता है बकरी, क्या होता है बकरी। तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक देखिए कैमल यानी ऊंट, सर्वाधिक भेड़े, सर्वाधिक घोड़े, सर्वाधिक कुत्ते, सर्वाधिक जो गधे और सर्वाधिक बकरियां हैं, वो राजस्थान के किस जिले में है, तो वो आपके बाड़मेर जिले में है, ध्यान रखना। और बाड़मेर जिले में राजस्थान का सर्वाधिक क्या पाया जाता है, पशु संख्या वाला जिला है। लेकिन अगर सवाल पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व है वो दौसा जिले का है। किस जिले का है, दौसा जिला, जो कि जयपुर के संभाग के अंतर्गत आता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला जिला है, राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, तो राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला जिला है उस जिले का नाम है जयपुर, क्या नाम है जयपुर। और राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला, तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला है वो है जोधपुर, कौन सा है जोधपुर। लेकिन राजस्थान की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है, तो राजस्थान की सबसे बड़ी ऊन मंडी है वो बीकानेर के अंदर है, कहाँ पर है बीकानेर, जो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है, ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए, विश्व की सबसे बड़ी गौशाला कहाँ पर है, तो विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है वो है पथमेड़ा के अंदर, और पथमेड़ा कहाँ पर है जालौर के अंदर। अब देखिए राजस्थान का सबसे बड़ा नगर पूछ ले आपको एग्जाम में कि राजस्थान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा नगर है वो है जयपुर। अगला सवाल देखिए, राज्य में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, राजस्थान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे 15 राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरता है, और राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय जो राजमार्ग है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग 15 या फिर NH 15।
अगर राजस्थान के अंदर सवाल पूछे कि राजस्थान का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका नाम है 71B। क्या नाम है विद्यार्थियों? 71B। लेकिन अगर सवाल ये पूछ ले कि राजस्थान का सबसे व्यस्त राजमार्ग कौन सा है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH 8, नेशनल हाईवे 8 है, वो राजस्थान का सबसे व्यस्त यानी बिजी हाईवे है, सर्वाधिक गाड़ियां यहां पर चलती है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत वाला जिला, यानी राजस्थान में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होती है, वो होती है श्रीगंगानगर के अंदर। विद्यार्थियों कहां होती है? श्रीगंगानगर को अंदर, श्रीनगर को कहा, श्रीगंगानगर को राजस्थान में क्या कहा जाता है? प्राचीन राजस्थान का रामनगर किसे कहा जाता है? श्रीगंगानगर को। श्रीगंगानगर का बारे में ध्यान रखना कि राजस्थान में सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई कहाँ होती है? श्रीगंगानगर में। सर्वाधिक अन्न उत्पादन कहाँ होता है? तो सर्वाधिक अन्न उत्पादन होता है श्रीगंगानगर में। इसके अलावा इम्पोर्टेंट बात, राजस्थान में अन्न का कटोरा, किसका कटोरा? अन्न का कटोरा पूछे आपको कभी भी एग्जाम में कि राजस्थान में अन्न का कटोरा कौन सा है, तो वो एक जिला है जिसका नाम है गंगानगर। और गंगानगर की स्थापना किसने की थी, तो ध्यान रखना गंगानगर की स्थापना की थी महाराजा सूरत सिंह ने। किसने की थी? बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने। अब अगला सवाल देखिए, गंगानगर बीकानेर, बीकानेर देखिए, गंगानगर और बीकानेर दोनों जिले हैं, गंगानगर गंगा सिंह के नाम पर ही पड़ा है। इसके अलावा अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, एशिया का सबसे बड़ा घंटाघर, एशिया का सबसे बड़ा घंटाघर है वो है धौलपुर के अंदर, और उसका नाम है निहाल टावर। क्या नाम है? निहाल टावर। एशिया का सबसे बड़ा दूरदर्शन टावर कौन सा है? वो है रामगढ़। और रामगढ़ कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। दूरदर्शन का सबसे बड़ा टावर कहाँ पर है? रामगढ़ के अंदर। अगला सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय कहाँ पर है? ये है भादरिया के अंदर, जैसलमेर। अगला सवाल देखिए, एशिया का सबसे बड़ा कृषि, केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ के अंदर है, किसकी सहायता से चलाया जा रहा है? ये चलाया जा रहा है रूस की सहायता से। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से चलाया जा रहा है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बड़ा अच्छा और रोचक सवाल है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, लिविंग फोर्ट का मतलब होता है राजस्थान का वह किला जिसमें सर्वाधिक संख्या में लोग रहते हैं, चित्तौड़गढ़ किला। और राजस्थान का सबसे छोटा, या आप कह सकते हो राजस्थान का सबसे छोटा किला कौन सा है, वो सज्जनगढ़ किला उदयपुर के अंदर है। अगला सवाल देखिए, सबसे बड़ा रिहायशी महल, राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा रिहायशी महल है चित्तर पैलेस, जिसको उम्मेद भवन पैलेस भी कहा जाता है, जिसके अंदर घड़ियों का बहुत बड़ा संग्रहालय भी है, जिसे उम्मेद भवन भी कहा जाता है, महाराजा उमेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, जोधपुर के अंदर स्थित है, राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर और बाड़मेर जिले में फैला हुआ है, जो कि राजस्थान में गोडावण पक्षी, इसके अलावा चिंकारा, इसके अलावा आप कह सकते हो कि राजस्थान के अंदर मरु लोमड़ी और पीवणा सांप की नस्ल के लिए जो ये जानवर हैं, इन जीवों के लिए जाना जाता है। राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है सरिस्का अ, और सरिस्का अ अभ्यारण्य है वो अलवर जिले में है। फिर अगला देखिए, विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी एग्जाम में कई बार पूछा गया है विद्यार्थियों, सम्राट यंत्र जंतर मंतर जयपुर की घड़ी है, एशिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी। अगला सवाल देखिए, आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे लंबी नदी, आंतरिक प्रवाह की राजस्थान में सबसे लंबी नदी है गग्गर, जिसकी लंबाई है 465, इसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश। इस गग्गर के उपनाम पूछे जाते हैं कई बार, तो गग्गर को क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, गग्गर को कहा जाता है हकरा। क्या कहा जाता है? हकरा। और क्या कहा जाता है? नट नदी कहा जाता है, इसको मृत नदी भी कहा जाता है, इसको सोत्तर नदी भी कहा जाता है, और इसे प्राचीन सरस्वती नदी भी कहा जाता है। ध्यान रखना, ये किस जिले में बहती हैं, तो ये बहती हैं हनुमानगढ़ और गंगानगर। और जब इस नदी के अंदर बहुत अधिक बाढ़ आती हैं, तो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक इसका पानी जाता है, और फोर्ट अब्बास में इस नदी के अंदर जब पानी जाता है, बाढ़ जाती हैं, उसे कहा जाता है हकरा। क्या कहा जाता है? हकरा कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछी है, और उसका नाम है लूणी नदी, 495 किलोमीटर है, राजस्थान की पश्चिम में बहती हुई नदी।
अगला सवाल, सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला देखिए, अरावली पर्वतमाला है वो किस काल की है? तो ये देखिए किस काल की है, ये है क्रिटेशियस काल की। किसकी? क्रिटेशियस काल की है। या फिर आप कह सकते हो कि ये जो अरावली पर्वतमाला है विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। यह जो अरावली पर्वतमाला है इसकी टोटल लंबाई है 650 किलोमीटर और राजस्थान के अंदर इसकी कुल 692 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। राजस्थान को दो भागों में ये बांटती है। इसे आडा वाला पर्वत भी कहा जाता है और इसकी तुलना USA मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एक पर्वत अपलेशियन पर्वत से इसकी तुलना की जाती है। अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ कहाँ आती है? आंधियाँ श्रीगंगानगर के अंदर आती हैं। राजस्थान में ये दूध सबसे बड़ी दूध की डेयरी कौन सी है? वो रानीवाड़ा जालौर के अंदर है। लेकिन राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पूछे तो पद्मा डेयरी है जो अजमेर जिले के अंदर है। अगला सवाल देखिए, कई बार सवाल में पूछा गया है ये सबसे बड़ा ट्यूब टायर कारखाना कहाँ पर है? तो ये कांकरोली के अंदर है, राजसमंद के अंदर। कांकरोली राजसमंद के अंदर राजस्थान का सबसे बड़ा टायर ट्यूब बनाने का क्या है? कारखाना। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे पुराना जंतुआलय कौन सा है? जयपुर जंतुआलय। और विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ पर रखा हुआ है? सिटी पैलेस जयपुर के अंदर रखा हुआ है। अगला सवाल देखिए, पन्ने की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडी कौन सी है? तो पन्ने की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडी है वो जयपुर है और इसीलिए जयपुर को पन्ना नगरी कहा जाता है। सर्वाधिक इसबगोल पैदा करने वाला जिला जालौर। सर्वाधिक इसबगोल क्या होता है? इसबगोल को कहा जाता है घोड़ा जीरा। क्या कहा जाता है? घोड़ा जीरा, जिसका उपयोग किया जाता है आयुर्वेदिक में और एलोपैथी की दवाइयाँ बनाने में। अगला सवाल देखिए, देश की सबसे बड़ी संगमरमर की मंडी, संगमरमर मतलब मकराना जो सफ़ेद पत्थर होता है, कायांतरित जो चट्टान होती है इसका परिवर्तित रूप होता है, ये राजस्थान के सर्वाधिक इसकी जो बड़ी मंडी है किशनगढ़ के अंदर जो अजमेर ज़िले में है। फिर देखिए, राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो पर्वतसर नागौर के अंदर है। लेकिन राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला है वो मालाणी पशु मेला बाड़मेर के अंदर मल्लिनाथ जी की स्मृति में आयोजित होता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पशु मेले के आयोजन कहाँ पर होते हैं? पशु मेले के अंदर राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन होता है वो नागौर जिले में होता है। फिर अगला सवाल देखिए, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक विधानसभा वाले जिला है सीटों वाला वो है जयपुर, जहाँ पर 19 विधानसभा की सीटें हैं। फिर अगला सवाल देखिए, न्यूनतम विधानसभा सीटें किसकी है? तो न्यूनतम विधानसभा सीटें हैं वो है जैसलमेर की और है प्रतापगढ़ की। इन दोनों की जो विधानसभा की सीटें हैं विद्यार्थियों वो कितनी हैं? दो दो हैं। फिर अगला सवाल देखिए, राजस्थान में सबसे बड़े अफवाह वाली नदी कौन सी है? तो राजस्थान के अंदर सबसे बड़े अफवाह वाली नदी है वो अफवाह वाली नदी कौन सी है?